सत श्री अकाल दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है ते मैं भावना। सुखपाल गैरा दी गिरफ्तारी तो बाद कांग्रेसी आगू भड़क उठे ने ते अज जलालाबाद पहुंचणगे उत्थे प्रदर्शन करनगे। राजा वड़िंग दे वल्लों भी एक ट्वीट किया गया कि 9 बजे वह जलालाबाद पहुंचणगे। दस दिए कि कल सुखपाल खहरा की गिरफ्तारी हुई सी, पुलिस दे वल्लों उस नूं चंडीगढ़ रिहायश तो गिरफ्तार किया गया सीगा। इस मामले ते होर जानकारी ले लैने मेरे मेरे सहयोगी जुड़े ने सूरज जलालाबाद तो। जी सूरज, होर की जानकारी है तुहाडे कोल इस ते? देखो भावना, सब तो पहले गलबात की जाए तो NDPS का मामला 2015 का है, जिस विच सुखपाल सिंह खहरा की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा कल की गलबात की जाए, कल दिन भर इस तरीके से रहा कि जिम्मे सुखपाल खहरा लैके आए है। आते ही सब तो पहले उन्होंने मेडिकल करवाया गया, उस तो बाद सदर थाना जलालाबाद लेके जाया गया, उसे काफी लंबे समय तक उन्होंने रखा गया। उस तो बाद शाम के समय जरा है उन्होंने मानव अदालत में पेश किया गया, जिथे की 2 दिन के रिमांड पे उन्होंने भेज दिया गया। बारिशां ते हड़दे पानी नाल डेंगू दे फैलाव नूं रोकण लई मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों विशेष मुहिम, हर शुक्रवार डेंगू ते वार दी शुरुआत कीती गई। इस संबंधी पंजाब सरकार ने व्यापक पद्धर उत्ते तैयारियां शुरू कर दित्तियां हन। सरकारी हस्पतालां विच डेंगू ते मलेरिया दे मुफ्त टेस्ट अते मुफ्त इलाज दी सहूलत दित्ती गई है। लारवादी चेकिंग करन लई मुलाजमां दी तैनाती करन दे नाल नाल शहर अते पिंडां विच दवाई दे छिड़काव लई ढुकवें प्रबंधां नूं वी यकीनी बनाया गया है। हर शुक्रवार डेंगू ते वार। राजा वड़िंग एक जानकारी दिंदे ने कि एक वड्डा प्रोटेस्ट जिहड़ा हैगा सुखपाल खहरा दे समर्थन विच जलालाबाद विच कीता जाएगा, जिस विच कि तमाम लीडरशिप जिहड़ी कांग्रेस दी हैगी है वह पहुंचेगी। प्रोटेस्ट है जलालाबाद की धरती से रखा गया। सुखपाल सिंह खहरा इतने पुलिस को 2 दिन के रिमांड पे है। धन्यवाद सूरज, होर अपडेट लिए जुड़े रहेंगे तुहाडे नाल। ऐसी मेरे सहयोगी सूरज जिन्होंने जानकारी दी कि सुखपाल सिंह खहरा की गिरफ्तारी तो बाद कांग्रेसी आगू जिहड़े ओह भड़क उठे ने अते जलालाबाद इकट्ठे होणगे। ते राजा वड़िंग दे वल्लों भी एक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि 9 बजे उत्थे इकट्ठे होणगे, तो अपने आगुआं नूं भी उत्थे इकट्ठे होण लई कहा गया है। दस दिए कि इह गल सुखपाल सिंह खहरा की गिरफ्तारी हुई है NDPS दे एक्ट की धारा के तहत। उन्हां नूं एक पुराना मामला सी नशा तस्करी जिहदे चलते उन्होंने गिरफ्तार किया गया वे, तो चंडीगढ़ रिहायश तो उन्होंने गिरफ्तार किया गया। तो हूँ जोड़े उन्होंने कांग्रेसी आगू ने जलालाबाद अज इकट्ठे हो गए। सत श्री अकाल दैनिक सवेरा से तुहाडा स्वागत है ते मैं भावना। सुखपाल खहरा की गिरफ्तारी तो बाद कांग्रेसी आगू भड़क उठे ने ते अज जलालाबाद पहुंचणगे उत्थे प्रदर्शन करनगे। राजा वड़िंग दे वल्लों भी एक ट्वीट किया गया कि 9 बजे वह जलालाबाद पहुंचणगे। दस दिए कि कल सुखपाल खहरा की गिरफ्तारी हुई सी, पुलिस दे वल्लों उस नूं चंडीगढ़ रिहायश तो गिरफ्तार किया गया सीगा। इस मामले ते होर जानकारी ले लैने मेरे मेरे सहयोगी जुड़े ने सूरज जलालाबाद तो। जी सूरज, होर की जानकारी है तुहाडे कोल इस ते? देखो भावना, सब तो पहले गलबात की जाए तो NDPS का मामला 2015 का है, जिस विच सुखपाल सिंह खहरा की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा कल की गलबात की जाए, कल दिन भर इस तरीके से रहा कि जिम्मे सुखपाल खहरा लैके आए है। आते ही सब तो पहले उन्होंने मेडिकल करवाया गया, उस तो बाद सदर थाना जलालाबाद लेके जाया गया, उसे काफी लंबे समय तक उन्होंने रखा गया। उस तो बाद शाम के समय जरा है उन्होंने मानव अदालत में पेश किया गया, जिथे की 2 दिन के रिमांड पे उन्होंने भेज दिया गया। उस तो बाद की गल की जाए तो जो जिन्हें कांग्रेसी लीडर ने उन्हें बयान आने लगभग शुरू हो गए, और सब ने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। उस तो बाद बीती रात जरा है राजा वड़िंग एक जानकारी दिंदे ने कि एक वड्डा प्रोटेस्ट जरा है सुखपाल खहरा के समर्थन में जलालाबाद में किया जाएगा, जिस विच कि तमाम लीडरशिप जी कांग्रेस की हैगी है वह पहुंचेगी। इस सीधे तौर पर नजर लगाया जा सकता है कि कांग्रेसी जड़े ने वह भी इस बार चुप बैठन के मूड में नहीं ने, सीधे तौर पर पुलिस नाल जिहड़ा हैगा टक्कर लै रहे ने। पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे सख्त एक्शन लै रहे ने, इसे करके जो प्रोटेस्ट है जलालाबाद की धरती से रखा गया। सुखपाल सिंह खहरा इतने पुलिस को 2 दिन के रिमांड पे है।
ਧੰਨਵਾਦ ਸੂਰਜ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ NDPS ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।